हेलो एंड वेलकम टू द गुरुकुल। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की पार्ट थ्री में। इसके पहले हमने दो पार्ट कर लिया है, आपने अब तक अगर उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे हम NVS 2019 के लिए करंट अफेयर्स जो हमारा एग्जामिनेशन मार्च और मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस लास्ट थ्री मंथ्स के करंट अफेयर्स है। जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स को करेंगे, तो ये उसका थर्ड पार्ट है। इसके पहले के दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे देख लीजिएगा। और ये थर्ड पार्ट है, देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को जल्दी से। तो हमारा 16th क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रैंक एंड ग्रेड स्टेट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो ये क्या चीज़ है, तो अभी किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जैसा उनका वर्क जो जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रैंक करने का सिस्टम बनाया है, जिससे कि वो रैंक कर पाएंगे जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसे उन्होंने नाम दिया है सुकर्मी। तो सुकर्मी का मतलब है यहाँ पर कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन विन एट द इंडियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। सो इंडियन, आपको यहाँ पे मालूम होगा कि यहाँ पर हमारी जो इंडिया ने जीता बॉक्सिंग में जीता है, वो जीता है 10, टोटल 10 मेडल्स इंडिया ने जीता है ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। और यहाँ पर जो गोल्ड किन लोगों ने जीता है, तो गोल्ड जो जिन लोगों ने जीता है वो है MC मैरी कॉम, पावलियाओ बैसुट मैट्री और लेवोनिया बोरगोनगेन और पिंकी जांगरा और मनीष कौशिक। ये सारे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पे MC मैरी कॉम जो है उन्होंने गोल्ड जीता है। बता दूँ MC मैरी कॉम जो है मणिपुर की रहने वाली है, और इन्होंने 5 बार इन्हें वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब मिला हुआ है, और ये 5 बार एशियन चैम्पियन भी रह चुकी है। एक बार उन्होंने ओलंपिक्स में भी चैम्पियन रह चुकी है। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस थी मैरी कॉम के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं अभी। तो अल्फ़ाबेट जो अभी पहले बता दूँ, इसका आंसर जो होगा ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए, जॉन हैंसी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी में नाम है, तो सबसे ज़्यादा अमीर कंपनी जो है अभी है एप्पल, और एप्पल के बाद बारी आती है अल्फ़ाबेट की। तो ये सेकंड नंबर की बड़ी कंपनी है, और थर्ड जो है पहले माइक्रोसॉफ्ट हुआ करता था, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके आ गया है थर्ड नंबर पर अमेज़ोन, और अमेज़ोन के बाद 4 नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो है हमारी रैंकिंग है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय IOA एज द चीफ डी कमीशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। IOA ये क्या है। तो यहाँ पे इसके जो एज द चीफ डी कमीशन कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि ये गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पर इसमें जो हुआ था विक्रम सिंह सिसोदिया, ये अपॉइंट हुए हैं यहाँ के IOA एज द चीफ डी कमीशन कॉमनवेल्थ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में, Who has become the highest ranked Indian squash player in the Professional Squash Association ranking? So PSA को कहा जाता है Professional Squash Association। तो इसकी ranking में कौन सा player है जो highest rank पे आया, Indian कौन सा player है। तो यहाँ पर ये इसमें आए हैं 20 का सौरभ घोषाल। Next है, which of the following has signed a MOU with the Kaila Satyarthi Children's Foundation to create a child friendly village। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बेसिकली क्या है कि चाइल्ड ये जो फाउंडेशन है जो क्रिएट करना चाह रहा है, बच्चों के लिए खास तरह का गांव बनाएंगे जिसमें कि बच्चे जो है सेफली रह सके। और इसके लिए जो जिसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया है इस कंपनी ने, तो MOU साइन जो किया है चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने
चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाने के लिए ये इन्फोसिस फाउंडेशन ने के साथ इन्होंने कोलेबरेट किया है। और ये कैलाश सत्यार्थी जो है ये बचपन इसे इन नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये जो बचपन बचाओ इनका जो है मिशन है, ये उसके एनजीओ को चलाते हैं बचपन बचाओ के नाम से, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्राइबल फेस्टिवल है समक्का सारालम्मा महा जात्रा रिसेंटली बिगेन इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु और कर्नाटका। तो यहाँ पे एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो जिसमें जिसका नाम है समक्का सारालम्मा महाजात्रा। ये रिसेंटली शुरू किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रिसेंटली तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर किया गया है। और इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी थी कि जो यहाँ पे जो ये जो लेडी हैं इन्होंने जो जो काकाटिया देवी है उनके संघर्ष के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ लोगों की जो है बहुत सारा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है यहाँ के लोगों के लिए, जिसकी वजह से जिनके यहाँ पर उसको देवी की तरह पूजा की जाती है उस देवी यहाँ पर काकाटिया देवी की। इनका नाम है तो इनका तो इन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है। इन्होंने ट्राइबल के लिए बहुत सारा वर्क किया है। और इसके अलावा फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं तो फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स मनाया जाता है दिल्ली में, रेडियो फेस्टिवल भी मनाया जाता है दिल्ली में, स्प्रिंग फेस्टिवल न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है ये चाइना में मनाया जाता है। इसके अलावा खजुराहो डांस फेस्टिवल जो छतरपुर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉन द मेन सिंगल्स एट द सीनियर टेबल टेनिस नेशनल हेल्ड इन रांची। तो किसे मिला है मेन सिंगल्स का खिताब जो हेल्ड हुआ था कहाँ पर? रांची में। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की राजधानी है, जहाँ पर मेन सिंगल्स में किसे किसने जीता है मेन सिंगल्स को? तो ये जीता है शरद कमल ने। ये देख पा रहे हैं आप शरद कमल की पिक्चर है कि शरद कमल ने जीता है इस अवार्ड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर HPC सिस्टम लॉन्च्ड बाय MoEs डॉक्टर हर्षवर्धन टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फॉरकास्टिंग। तो यहाँ पर दो ऐप चलती है इस तरह से, जिसमें एक है मिहिर और एक है प्रत्युष, दो ऐप है। तो पहले मैं बता दूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा मिहिर। तो और मिहिर और प्रत्युष जो है दो फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो वेदर फॉरकास्ट करती है। प्रत्युष इंडिया की जो है फर्स्ट जो है ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है, फास्टेस्ट है सिस्टम जो ये करती है वेदर का फॉरकास्ट करती है, और वर्ल्ड की ये फोर्थ नंबर पे आती है प्रत्युष। और नेक्स्ट है कि ये डेडिकेटेड है वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एज पर अ रिपोर्ट बाय न्यू वर्ल्ड वेल्थ व्हाट इज इंडियाज रैंक अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ वेल्दीएस्ट कंट्रीज। सो अगर अमीरी की बात करेंगे, अमीरों की बात करेंगे, अमीर देशों की बात करेंगे, तो भारत का कौन सा रैंक है एज पर रिपोर्ट बाय न्यू वर्ल्ड वेल्थ व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक। सो अभी जो नई जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया का रैंक कौन सा है? तो इंडिया इस रैंक में इस बार आगे बढ़ गया है और ये सिक्स पोजीशन पे आ गया है। और इसमें रैंक वन में है जो है वो है अमेरिका, तो अमेरिका, और नंबर टू पे है चाइना, और इंडिया की रैंक इसमें सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, फुटबॉल डेली हैज़ ऑनर्ड विद फुटबॉलर बाय डिक्लेयरिंग हिज बर्थडे 3 अगस्त टू बी सेलिब्रेटेड एज दिल्ली फुटबॉल डे। तो फुटबॉल दिल्ली ने अनाउंस किया है, ऑनर दिया है जो उनके फुटबॉलर हैं उनका बर्थडे 3 अगस्त को ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा फुटबॉल डे में, फुटबॉल डे के रूप में दिल्ली का फुटबॉल डे। तो ये कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर के बर्थडे को उन्होंने किया है? तो ये किया है उन्होंने सुनील छेत्री को, और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये सुनील छेत्री की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन अग्रीमेंट हैज इंडिया साइन विथ ADB टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन 5 स्टेट्स आसाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन अग्रीमेंट जो है इंडिया ने साइन किया है
विद द एडीबी. एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक. एडीबी का फुल फॉर्म यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो ये एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए कहा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए ये पांच राज्यों में, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में. तो कितना लोन इन्होंने किया है इसके लिए साइन? तो ये किया है इन्होंने टोटल जो लोन किया है उन्होंने 250 मिलियन डॉलर का. नेक्स्ट है What is India's rank on annual global democracy index compiled by the Economics Intelligence Unit EIU? तो इंडिया की जो रैंक है एनुअल ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में रैंक कौन सी है इंडिया की? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इंडिया की जो डेमोक्रेसी ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है. तो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर, अगर यहाँ पर रैंक की बात हो रही है तो रैंक यहाँ पर इंडिया का है 42. क्वेश्चन नंबर 29 है, गूगल हैज साइन $1.1 बिलियन डील टू अक्वायर विच कंपनी स्मार्टफोन डिज़ाइन डिवीज़न. तो गूगल ने $1.1 बिलियन की डील साइन करी है एक स्मार्टफोन डिज़ाइन के लिए कौन सी कंपनी के साथ? तो ये आपको ये यहाँ पर जो है गूगल ने साइन करी है HTC के साथ, ये डील साइन करी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच कंपनी लॉन्च्ड इंटरसेप्टर बोट V410 टू बी कमीशनड इनटू ICG एट इट्स पैनम्बूर शिपयार्ड कर्नाटका. तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम है V410 को इन्होंने लॉन्च किया है इनटू द पैनम्बूर शिपयार्ड कर्नाटका में की? तो ये है भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने. और मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है और जिस जो पैटर्न है हमारे टीचिंग एग्जामिनेशन का ये उसको फॉलो करता हुआ है. तो मैंने इधर उधर से बहुत सारे, क्योंकि अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं से भी करंट अफेयर्स आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रेंज होता है. अगर टीचिंग एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो उसमें एक अलग तरह का करंट अफेयर्स होता है. तो यहाँ मैंने जो उसी रेंज है उसी रेंज को टच करता हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करवा रही हूँ. तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ चाहो तो आप उसको नोट्स बना के रख सकते हो, लेकिन इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे अगर मैंने जितना भी सेट अभी करा रही हूँ करंट अफेयर्स का 7-8-10 वीडियो में हम इसे ख़त्म करेंगे. तो आप इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं जनवरी टू मार्च तक का तो NVS में करंट अफेयर्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे. ये बहुत ही स्कोरिंग होता है. तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितने जिस टाइप के क्वेश्चन NVS में आते हैं उस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में रखने का. और ज़्यादा करंट अफेयर्स हमारे पास टाइम भी कम है तो बहुत ज़्यादा हम इधर उधर की करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड है. और जो सिलेबस को मैच करता हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस को मैच करता हुआ, किस तरह से आए हुए क्वेश्चंस है उसको, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट अनदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो होंगे हमारे करंट अफेयर्स के फ्रॉम जनवरी टू मार्च. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.